हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गराज। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास हीरो मेस्ट्रो आई है, तो इसका जो साइलेंसर पाइप है उसे हमें चेंज करना है क्योंकि सड़ चुका है और कुछ साइलेंसर में एक पीछे के साइड होल भी है। तो उसको हम कैसे पत्रा लगा के अच्छे से वेल्डिंग करके बंद करते हैं वो आप आगे देखिए डिटेल में। अभी तो फिलहाल जो नट रहते हैं साइलेंसर पाइप के, जो नीचे के जो 2-10 नंबर के नट होते हैं, तो वो खुलते नहीं है, तो खोलने के टाइम पे टूट जाते हैं। तो उसे हमने गरम करके निकाल लिया है और अभी हम जो साइलेंसर का पाइप है वो सड़ चुका है, उसको हम कट करके निकाल लेंगे अच्छे से। तो अभी आप सोच रहे होगे कि हमने साइलेंसर पाइप को वहाँ से गैस कटिंग से क्यों कट किया, डायरेक्ट नट को लूज़ करके क्यों नहीं निकाला। क्योंकि ऐसा हुआ था, जो साइलेंसर पाइप है ना वो वहाँ पे बेंड हो चुका था और टूल हमें जो हमारा टूल है ना 10 नंबर का, वो वहाँ पे लग नहीं रहा था। इसके लिए हमने वहाँ पे जो साइलेंसर पाइप है उसको कट कर लिया और अभी हमने जो 10 नंबर का टूल 10 नंबर का जो नट है वो सेफली हमने निकाल लिया और अभी हम यहाँ पे नया पाइप वगैरह वेल्डिंग करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये 2 पार्ट में हमने कट कर लिया है साइलेंसर पाइप को और अंदर का जो गुंडी इसमें बचा हुआ है उसको हम अभी कट करके निकाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो 14 नंबर का बोल्ट होता है तो वो खुल नहीं रहा था, क्योंकि बहुत समय से खोलते नहीं है तो कैसा वो रस्ट पकड़ के एकदम वहाँ पे अटक जाता है। तो उसके हमें हमेशा हिट करके निकालना चाहिए, नहीं तो फिर वो वहाँ पे बोल्ट टूट सकता है। तो बोल्ट टूटेगा तो भी अपने को जुगाड़ करके कैसा करना है उसका भी वीडियो है पहले से ही अपने पास, तो अभी वो आप जाके देख सकते हो एक्टिवा का। तो अभी आप देख सकते हो हिट करके हमने अच्छे से बोल्ट निकाल लिया है और ऊपर का बोल्ट तो अच्छे से निकल ही चुका है। तो साइलेंसर अभी आ चुका है, अभी आप देख सकते हो इसके पीछे जो है ना ये फट चुका है, ये दिख रहा रहेगा आपको सड़ चुका है। तो उसके लिए जो बाहर का कवरिंग है अपने को कट करके निकालना पड़ेगा, फिर अंदर वेल्डिंग करने अच्छे से जमेगा। तो आप परफेक्ट देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अंदाज़ा आएगा कि कैसे उसको 100% अपने को कंपनी का जैसे रहता है वैसे बनाना है, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो कंटिन्यू देखिए ये वीडियो को। तो अभी आप देख सकते हो कट करने के बाद क्लियर दिख रहा है वहाँ पे कि मीन्स वहाँ पे होल वगैरह अभी आपको दिख रहा रहेगा, पर अभी हम उसको क्लीन करेंगे ना और तो और फटेगा वो, तो उससे अपने को वेल्डिंग करने को अच्छे से जमता है। तो अभी आप देखिए आगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कितना वो साइलेंसर वहाँ से फट चुका है, अभी हमने क्लीन वगैरह किया तो समझ रहा है। तो अभी यही वेल्डिंग वगैरह करने को अच्छे से जमेगा, हम वो पैच पूरा वेल्डिंग करके बंद कर देंगे और फिर पत्रा फिर से लगाकर उसको अच्छे से वेल्डिंग करके एकदम कंपनी जैसा फिटिंग कर देंगे उसको, और नया पाइप भी आगे हम फिटिंग करके उसको अच्छे से वेल्डिंग करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए।
तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो साइलेंसर फटा हुआ था वो अच्छे से राउंड मार के वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसके बाद हम साइलेंसर का जो पाइप है वो फिटिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि वो कट करने की वजह से हमें कितने अच्छे से वेल्डिंग मारने को जमा। तो अभी आप देख सकते हो ये ओरिजिनल पाइप है हीरो मेस्ट्रो गाड़ी का। तो आप इसका क्वालिटी देख सकते हो बहुत अच्छा है। तो अभी हम उसको फिटिंग करके अच्छे से एक वन साइड वेल्डिंग करने के बाद फिर से निकाल के पूरा राउंड में अच्छे से वेल्डिंग कर लेंगे। तो आप देखिए कि कितना अच्छे से हम परफेक्टली फिटिंग करते हैं साइलेंसर पाइप को। तो अभी आप देख सकते हो पाइप तो हमने अच्छे से आगे टाइट कर लिया है और अभी पीछे से थोड़ा सा उसको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा क्योंकि पाइप अंदर जाना चाहिए साइलेंसर के। तो फिर उसके बाद फिर उसको वेल्डिंग मार लेंगे वहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो साइलेंसर पाइप को हमने अच्छे से वेल्ड कर दिया है साइलेंसर से पूरे राउंड में। अभी जो हमने पतरा कट किया था अंदर वेल्डिंग करने के लिए तो उसको हम यहाँ से अभी कट लेके उतना कट करके वेल्डिंग कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा वेल्डिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी हम डायरेक्ट इसको गाड़ी पे फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो गाड़ी पे अच्छे से फिटिंग हो चुका है। ये पीछे का इनका जो बोल्ट है वो टूट गया था तो वही गरम करके अभी उसको खोल के निकाल रहे ताकि वहाँ पे उनका जो साइलेंसर गार्ड है वो भी बैठ जाएगा और फिर हमारा काम एकदम मस्त एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लग रही है, जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो कैसी लग रही है। थैंक यू।